वाटर से भी विटामिन में क्या आता है, तो बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आता है, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आता है। ये विटामिन हमें डेली चाहिए होगा, डेली रिक्वायर्ड होता है, ये डेली चाहिए। क्यों डेली चाहिए? क्योंकि एक्सेस होने पर ये यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, इसका संचय नहीं होता है, इसलिए हमें डेली चाहिए होता है। अब है बी कॉम्प्लेक्स को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें B1 से लेकर के B12 तक ऐसे 12 विटामिन के विषय में पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें से पहला विटामिन जो है, अगर विटामिन बी ग्रुप में हम बात करें, तो वो है B1। B1 का जो रासायनिक नाम है, उनका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ये इसका रासायनिक नाम है, थायमिन। अब कहते हम लोग जो थायमिन है, याद रखना, इसमें क्या है ना कि इसमें एक प्रकार का पिरामिडिन रिंग होता है, मतलब इस प्रकार का रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है इसका ऐसे। और ये विटामिन हमारे शरीर में, इसका अवशोषण कहां पे होगा? ये भी छोटी आंत में भी अब्जॉर्ब होता है और बड़ी आंत में भी अब्जॉर्ब होता है। और ये विटामिन क्या है, ये छोटी आंत में अब्जॉर्ब होगा, और अब्जॉर्ब होने के बाद ये लीवर में जाएगा, लीवर में ये जाएगा, लेकिन कहते हैं संचय की बात है, तो ये सब संचय ना के बराबर होता है। दूसरा जो विटामिन, इसके स्रोत क्या है B1 का, तो सोर्स में आ जाएगा इसका। ये मिलेगा कहां पे? अनाज में मिलेगा आपको, अनाज में, खास करके चावल हो गया, गेहूं हो गया, चावल है, गेहूं है, इसमें मिलेगा ये। अगर आप दाल है मान लो, दाल में मिल जाएगा, तेल खाते हो तेल में मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो मांस है, मछली है, अंडे हैं, कलेजी है, दूध है, इन सब में मिलता है ये। और थायमिन के कमी से, इस विटामिन के कमी से कौन कौन सा रोग होता है? इस विटामिन की कमी से सबसे जो पहला रोग है, जो वयस्क व्यक्ति में भी होता है, उसका नाम है बेरी बेरी। तो विटामिन B1 के कमी से रोग क्या होता है, उसका नाम क्या है? बेरी बेरी। बेरी बेरी का सबसे पहला जो साइन क्या है, इसमें नींद नहीं आएगा रात में। बच्चे सबको कई बार नींद नहीं आता है, आप लोगों को भी हो सकता है नींद नहीं आना, तो कहो एग्जाम के कारण नहीं। कई दफा विटामिन B1 की कमी से भी होता है कि बेरी बेरी आपको रोग हो रहा है, आपको पता नहीं। सर में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, इसके बाद थोड़ा सा आलसी होना, आलसीपन आना, आलसीपन होना, भूख का नहीं लगना, भूख में कमी होगा, मांसपेशी कमजोर होगा, पतला दुबला हो जाओगे, मांसपेशी क्या होगा, कमजोर होगा। संवेदना जो है, सेंसेशन थोड़ा कम हो जाएगा, संवेदना विहीनता होगा, खास करके पैरों के अंगुलियों में या हाथों के अंगुलियों में या शरीर के निचले अंगों में जो तो सेंसेशन है, उसमें क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो बेरी बेरी का ये खास करके लक्षण है ये। थकान बहुत हो जाएगा आप लोगों को, थकान भी एक लक्षण में आता है ये। तो ये तमाम लक्षण है बेरी बेरी रोग का। उसका शुरुआत होता है कि आप सही से सो नहीं पा रहे हो, सर में दर्द है, सर भारी है। बेरी बेरी में कई प्रकार होता है। बेरी बेरी में एक बेरी बेरी होता है कि जो ड्राई बेरी बेरी है, सूखा बेरी बेरी। एक क्या होता है, वेट बेरी है, बेरी है माने एक क्या है वेट, एक क्या है ड्राई। तो अगर वेट बेरी बेरी है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो सकता है आपको एडेमा हो जाए। एडेमा क्या है, किडनी का संक्रमण है ये किडनी में संक्रमण है, किडनी में संक्रमण है ये। और अगर ड्राई बेरी बेरी हो गया तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। अब मान लो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें
कुछ चलने में दिक्कत होगा, चलने में पैरों में दर्द होगा, इवन कई दफा पतली से कई लोगों को धीमे धीमे लगता है कि हमें दर्द क्या हो रहा पता नहीं है, और कई दफा लोगों का डेथ तक हो जाता है इसमें है। वैसे ही बेड बेरी में किडनी के अलावा क्या होता है, लोगों का हृदय क्या होता है कमजोर हो जाता है, हार्ट इसमें कमजोर हो जाएगा। दूसरा लक्षण क्या है, हार्ट क्या होगा इसमें, ये कमजोर होगा। वेट वाले में अगर बेड बेरी है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बेड बेरी के कारण क्या होता है, वो असामान्य हो जाता है। ये बेरी बेरी का तीसरा रूप होता है, उसको इन्फेंटाइल बेरी बेरी, जो बच्चों में होता है। तो बच्चों में अगर बेरी बेरी हो गया है तो जो इन्फेंट 2 से 10 महीना के बीच का है, याद रखना, एक थर्ड टाइप है उसका नाम है इन्फेंटाइल बेरी बेरी। तो यह होता है 2 से 10 महीना 10 मंथ के बच्चों में, चाइल्ड में होता है। और ऐसे बच्चे जिसमें ये बेरी बेरी हुआ था, जवाब देख कौन होगा इसके लिए, इसलिए कि मदर के दूध, मदर में कमी हो गया है, क्योंकि मां से बच्चों में दूध जा रहा है, मदर में अगर कमी हो गया तो बच्चों में कमी हो जाएगा। तो याद रखना इस बात। तो बच्चे रात में बहुत तंग करेंगे, कई लोग क्या बोलते हैं कि बच्चा जो है ये रात में बहुत रोता है, बहुत काय काय करता है। बच्चा काय काय नहीं कर रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी जो मदर के दूध से बच्चा में जा नहीं रहा है कुछ भी सही से, तो दूध में सही होना चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चा मां के दूध से ही भोजन प्राप्त करता है। तो आप दूध बदल करके भी इसका इलाज कर सकते हो, कि अगर मां से दूध पे बच्चा बहुत रोता है तो ऐसे बच्चों को डिब्बा वाला दूध आता है वो पिलाइए, तो विटामिन बी1 का मात्रा सही हो जाएगा। और मां को पहले आप बी1 का इलाज करवाइए या कीजिए, तो मां में सही हो जाएगा, तो फिर मां से बच्चे में जाकर फिर सही बना रहेगा। दूसरा है विटामिन बी2, इसका नाम है रासायनिक नाम क्या है, ये क्या है, विटामिन बी2 है ये। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम हो गया राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन जो लिखा हुआ है यहां पे, इस विटामिन का स्रोत क्या है, तो इसका जो स्रोत होता है, इतने सारे स्रोत याद करने में क्या होता है, बड़ी दिक्कत होती है, किसका याद रखे किसका याद न रखे। तो आमतौर से याद रखना कि अगर आप संपूर्ण जो अनाज है, कोई भी अनाज हो, चाहे गेहूं हो चाहे दाल हो, तो याद रखना, चाहे गेहूं है तो गेहूं छिला हुआ नहीं होना चाहिए, गेहूं क्या है, छिला हुआ नहीं होना चाहिए। संपूर्ण गेहूं को, या दालें हैं, या हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, या सीजनल फ्रूट है, मौसमी फल हो, तो हमेशा मौसमी फल मौसमी सब्जियां ये खाना चाहिए। इनसे आपको इस तरह के विटामिन में कोई समस्या नहीं होगा। विटामिन का चोरी क्या है, हम अक्सर क्या होता है, बेमौसम चीजों को खाते हैं, इसलिए हमें विटामिन की कमी बनी होती है। तो मौसमी चीजों का सेवन कीजिए, विटामिन का कमी नहीं बना रहेगा। अब इसके काम क्या है, बी2 का कार्य क्या है इसका है, तो ये जो विटामिन होता है, बेसिकली हमारे शरीर में जो उपापचय क्रिया है, जो जैव रासायनिक क्रिया है, के संचालन में हेल्प करता है, जैव रासायनिक क्रिया के संचालन में। और इस बीमारी के कमी से कौन सा रोग होगा, इसके कमी से पहला रोग क्या होगा कि त्वचा शुष्क हो जाएगा, मतलब रूखा हो जाएगा। त्वचा क्या होगा, रूखा होगा, एक। दूसरा, इसमें त्वचा पे कई तरह के घाव वगैरह, मतलब छाला इसको कह सकते हो, कि चिलियोसिस एक रोग है, इसका नाम है चिलियोसिस। जब त्वचा सूखा होता है ना, त्वचा में खुजली शुरू हो जाता है, उसके बाद रेड लाल लाल जो चकत्ते हो जाएंगे, लाल लाल चकत्ते जो बोलते हैं, कई लोगों में भी हो जाता है ये।
और इवन आंखों में थोड़ा सा जलन होगा, आंखों में जलन होगा, आंखों में जलन होगा, ओठ फटेगा, उसके बाद जीभ जो है उस पर छाले निकल आएंगे, माउथ का जो साइड्स है साइड्स में क्रैक निकल आएगा, गले में क्या होगा, सोर होगा, उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस। तो ये ग्लोसाइटिस भी हो जाता है इसमें, ग्लोसाइटिस। तो इस तरह का समस्या किसमें होगा, विटामिन बी2 के कमी से होता है, तो इसको याद रखिएगा। और कई दफा ये भी होता है कि आपको विटामिन बी2 का ज्यादातर कमी होता है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है विटामिन के, इसके लिए आपको बीकोसुर का टेबलेट आता है। अगर आप मौसमी फल अनाज नहीं खा पाते हो तो आप बीकोसुर का भी टेबलेट खा करके इससे आप राहत दे सकते हो। कई सारी कंपनियां विटामिन बी1 का दवा अलग अलग नाम से बनाते हैं, तो उस दवा को भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट है विटामिन बी6, इसी का नाम है पायरीडॉक्सिन। पायरीडॉक्सिन तो विटामिन बी6 बोलते हैं या पायरीडॉक्सिन बोलते हैं। तो पायरीडॉक्सिन इसका मुख्य स्रोत क्या है? पायरीडॉक्सिन का जो स्रोत होता है, तो फिर से याद रखना कि संपूर्ण अनाज, दालें, उसके बाद यकृत, इसके बाद हरे पत्तेदार सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी, फिर मौसमी फल एवं सब्जियां। तो ये आप इसका इस्तेमाल करो। तो इससे आपको विटामिन बी6 का आपूर्ति हो जाएगा। कहते हैं विटामिन बी6 का कमी बहुत कमी होता है आदमी में, क्योंकि ये सब हम लोग खाना में तय बात है कि लेते ही होंगे, पर कई लोगों का तो ये भी नहीं मिल पाता है। तो विटामिन बी6 के कमी से रोग क्या होता है, इसके कमी से इसमें क्या होगा, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन जो बोलते हैं इसको, कंफ्यूजन रहेगा बना हुआ हमेशा, हर चीज में कंफ्यूजन होना, ठीक है। तो कंफ्यूजन के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये विटामिन चाहिए हमें एक न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम है गाबा, GABA। ये क्या है, ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, इसका पूरा नाम है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। और गाबा एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, एक प्रकार का तंत्रिका ऊतकों से निकलने वाला ये रसायन होता है, चाहे वो गाबा हो। ऐसे ही दूसरा एक न्यूरो ट्रांसमीटर नाम है सीरेटोनिन, सीरेटोनिन। एक और है उसका नाम है केटाकोलामाइन। तो ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर के मात्रा में कमी हो जाता है, इसके मात्रा में मतलब बनने के दर में कमी हो जाएगा। और अगर इसके बनने के दर में कमी हो जाएगा तो दो न्यूरॉन के बीच में जो आवेग है उसका प्रवाह क्या होगा, बाधित होगा। और जब उसका प्रवाह बाधित होगा तो सही से एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के बीच में संवाद नहीं हो पाएगा, जिससे कंफ्यूजन का स्टेट बना हुआ होता है। तो ये एक समस्या है, तो इसको आप लोग यहां पे याद रखना है कि विटामिन इस कमी से क्या होता है। देन नेक्स्ट है विटामिन बी12। बी12 इसका नाम क्या है, साइनोकोबेलामिन। पूछता है क्वेश्चन कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो यहां पे साइनोकोबेलामिन में, यहां पे जो कोबाला लिखा हुआ है, वास्तव में क्या ये कोबाल्ट पाया जाता है इसमें है, और इस विटामिन का मेन काम क्या होता है। साइनोकोबेलामिन का पहले देते स्रोत क्या है,
तो इसका जो स्रोत है याद रखना सब लोग, पहला हो गया यहां पे नंबर एक लाल रंग के फल, लाल रंग के फल जो भी होंगे खास करके, तो जैसे आप लोग खाते हो अनार खाते हो, चुकंदर खाते हो, तो इसमें मिल जाएगा आपको। इसके अलावा लीवर में मिल जाएगा आपको, इसके अलावा कई लोगों को इवन टैबलेट भी खाना पड़ जाता है, तो अगर यहां पे नहीं खा पाए तो टैबलेट खाएं, और टैबलेट खाने से भी क्या होगा उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। और अगर मिलता हो संभव हो तो आप मांस खाइए, अंडे खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए, अंडे खाइए, इन सब में भी ये विटामिन, दूध पीजिए, इसमें भी विटामिन मिलेगा आपको। अब इसके कमी से कौन सा रोग होता है या इसका कार्य क्या है, पहले लिखने से कार्य क्या है, इस विटामिन का कार्य क्या है। तो देखो B1 जो B12 है ये हमें चाहिए किसके लिए, बोन मैरो के निर्माण के लिए, बोन मैरो अस्थि मज्जा के बनने के लिए, के निर्माण के लिए। दूसरा हमें चाहिए, पहला ये चाहिए, दूसरा विटामिन हमें चाहिए कि डीएनए के निर्माण के लिए, डीएनए निर्माण के लिए। तीसरा हमें चाहिए वसीय अम्ल के निर्माण के लिए, वसीय अम्ल के निर्माण के लिए, नहीं तो ठीक है, ये सब के लिए हमें चाहिए। अब इस विटामिन की कमी से रोग कौन सा होता है, तो कमी से जो रोग है वो होता है एनीमिया। तो याद रखना इस बात को कि पूछेगा विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग में, एनीमिया बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक एनीमिया होता है जिसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और एक होता है परनीशियस एनीमिया, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन का जो मात्रा होगा आप में कम हो जाएगा, तो ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। और दोनों एनीमिया क्या है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो ना हो। अब है नेक्स्ट है विटामिन सी, विटामिन सी इसका रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका। अब एस्कॉर्बिक एसिड में ठीक है, इसके स्रोत क्या है इस विटामिन का, सबको पता है कि खट्टे रसदार फल जैसे नींबू हो गया ये भी है, जैसे संतरा हो गया ये भी है, जैसे आंवला हो गया ये भी है, तो इन फलों में ये क्या है, ये जो विटामिन है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब इस विटामिन का बेसिकली काम क्या होता है, तो इस विटामिन का काम क्या है, नंबर एक कार्य लिख के बात करें हम, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसे मैंने कहा था विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, वैसे ही ये भी, तो ये भी फ्री रेडिकल को खाने का काम करता है, और ऐसा करके हमारे शरीर में ये अन्य कई विटामिन का रक्षा भी करता है। दूसरा इस विटामिन का काम क्या है, तो याद रखना चाहे हमारा अस्थि हो, चाहे हमारा रक्त वाहिनी हो, तो अस्थि या रक्त वाहिनी ये इसका निर्माण सही से हो सके और ये सही से काम कर सके, इसके लिए भी इस विटामिन का आवश्यकता पड़ता है। तीसरा इस विटामिन का काम क्या है, ये पीत रस के निर्माण के लिए, पीत रस के निर्माण मदद करता है, लीवर में पीत रस का निर्माण होता है, तो पीत रस के निर्माण में इस विटामिन का बड़ा महत्व हो जाता है।
वैसे ही चौथा इस विटामिन का काम क्या है, तो ये आंतों में, चौथा जो काम है ये आंतों में, हमारे आंतों में आयरन का अवशोषण करता है, आयरन के अवशोषण के लिए। और पांचवा, इस विटामिन से आपको ये क्या करता है, रक्षा करता है जीवाणुओं रोगाणुओं से। तो पांचवा काम क्या है, ये रोगाणुओं से रक्षा प्रदान करता है। कई लोग देखोगे होंगे कोरोना में क्या होता था, गर्म नींबू ही पी रहा था, रोगाणु से रक्षा करता है। आप सुबह सुबह अगर गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू को डाल दो और वो नींबू पानी गर्म पानी वाला पियोगे तो जो बैक्टीरिया से जो संक्रमण है वो नहीं होता है। तो कई लोग त्वचा पे भी लगाते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह त्वचा पे जो हो तो मर जाए, और कई लोग इसको पीते हैं जो ताकि शरीर के भीतर कुछ इस तरह का समस्या हुआ हो तो वहां भी हम उसे बच सकें। अगर विटामिन सी की कमी से रोग क्या होगा, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, होने वाला समस्या, इसको याद रखना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा समस्या, सबसे पहला जो रोग का नाम है वो है स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी ये रोग है, ये होता है। और इस रोग में क्या होता है, इस रोग में मुंह से बदबू आता है, मुंह से बदबू आता है। एक ये बदबू क्यों आता है, क्योंकि जबड़े में सूजन हो जाएगा, जबड़े में सूजन हो जाएगा, रक्त उसके बाद यहां से जबड़े से रक्त स्राव होगा। तो ये जो जबड़े में सूजन और रक्त स्राव क्यों हुआ, क्योंकि जो आप खाना उना खाते हो उस खाने में कई दफा रोगाणुओं भी शामिल होता है, उस रोगाणु को मारने के लिए क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। कई कई दफा वो नहीं मर पाता है, नतीजा क्या होता है, ये सूजन आएगा, रक्तस्राव होगा और मुंह से बदबू आएगा। तो खाने में हमेशा कुछ खट्टेदार चीजों को शामिल करना चाहिए। दूसरा, इस कमी से कमजोरी हो जाएगा, वीकनेस आएगा और एनीमिया हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है, रक्त रक्त अल्पता इसको बोलते हैं, एनीमिया रोग होगा। तीसरा, आपके जोड़ों में सूजन होने लगे, जोड़ों में, जोड़ों पे सूजन होने लगे, समझ जाओ कि विटामिन सी की कमी हो गया हुआ है। चौथा, दांत टूटने लगे, अगर दांत टूटता है, एक दांत तो भाई स्वाभाविक टूटता है लेकिन दांत तो कई लोगों में समय से पहले टूटने लगता है, इसमें भी एक कारण है ये। चौथा हो गया कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियों में क्षरण हो सकता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस मतलब अस्थियों में क्षरण हो सकता है ये। पांचवा, आप संक्रमण संक्रमित बार बार हो सकते हो, संक्रमण का दर बढ़ जाएगा, संक्रमण का दर बढ़ जाता है इसमें। इसमें संक्रमण का दर क्या होगा, बढ़ जाएगा ये। और अगर ये बच्चों में हो गया तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंटाइल स्कर्वी। और ऐसे बच्चों में क्या होता है कि घाव वगैरह अगर होता है तो घाव जल्दी से नहीं भरता वगैरह, तो अगर किसी वयस्क व्यक्ति में घाव नहीं भरता है तो वो एक समस्या है, लेकिन अगर किसी बच्चे में अगर घाव भरने में समस्या है तो वो भी एक समस्या है। तो इसका छठा एक और लिख लो, घाव भरने में देरी होगा, घाव भरने में देरी होगा। तो इतने सारे आप बहुत सारा हमने बात किया, तो आप लोगों को मैं समझ रहा हूं कि इतना सारा याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कम से कम जो मेन मेन रोग हैं, तो वो मेन मेन रोग सबका नाम याद रखना। तो जो भी चीज विटामिन के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है, उसे एंटी विटामिन कहते हैं। जो विटामिन के जैसा होता है, जो विटामिन के जैसा होता है लेकिन विटामिन की एक्टिविटी को रोक देता है, लेकिन विटामिन के
क्रिया को रोक देता है, रोक देता है या बाधा करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते थे? एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एंटीबायोटिक, एक सल्फोनामाइड हो सकता है, सल्फोनामाइड हो सकता है, दो कोई एंजाइम्स हो सकता है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, या इसको बोलते हैं एस्कॉर्बेट, एस्कॉर्बेज। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो, एस्कॉर्बेज हो गया, लिपोक्सो लिपोक्सीजाइनेज हो गया, या एस्कॉर्बेज हो गया, ये एंजाइम है जो विटामिन के क्रिया को प्रभावित करता है, विटामिन विरुद्ध काम करता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग एंटी विटामिन कहते हैं। तो याद रखना, वह कोई भी पदार्थ जो विटामिन के विरुद्ध काम करता है, जो विटामिन के जैसा दिखता है लेकिन विटामिन के क्रिया को रोक देता है, वैसे पदार्थों को हम लोग एंटी विटामिन कहते हैं। एंटी विटामिन के एग्जाम्पल क्या है? तो नंबर एक एंटीबायोटिक, नंबर दो सल्फोनामाइड, नंबर तीन कोई एंजाइम हो सकता है जैसे एस्कॉर्बेज है या लिपोजिनेज है। इसमें से कौन सा एंटी विटामिन है? चॉइस दे दिया एंटी विटामिन में, एंटीबायोटिक एक, सल्फेनामाइड दो, एंजाइम तीन और साइनोकोबालामिन चार। अकोर बना कर देगा, वन इज करेक्ट, वन टू इज करेक्ट, वन टू थ्री इज करेक्ट, ओनली फोर इज करेक्ट। अब बताओ, तो वन टू एंड थ्री इज करेक्ट, क्योंकि साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन बी12 का नाम। तो आई होप आप लोग समझ गए इतना बात।